करवा चौथ आ रहा है, दिवाली आ रही है, इनफैक्ट शादियां भी आने वाली हैं, और ऐसे में कोरोना के कारण हम पार्लर नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं सेफ्टी को भी ध्यान में रखना है सुंदर दिखने के साथ साथ। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या लेकर के आई हूँ, एक सीरीज आप लोगों के लिए जो कि जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि आप घर में पेडिक्योर कैसे कर सकते हैं, घर में आप हेयर स्पा कैसे कर सकते हैं, आप घर में फेशियल कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके की कुछ वीडियोस मैं आपको लगातार लेकर के आने वाली हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आज की क्लास में मैं बताने वाली हूँ कि आप घर पर वैक्स कैसे कर सकते हैं। आपको मैं इसमें वैक्स बनाना भी सिखाऊंगी और करना भी सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। घर पर वैक्स बनाने के लिए आपको चाहिए एक कटोरी शक्कर और एक लेमन। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखाऊंगी वैक्स। और एक चम्मच शहद भी हमको यहाँ पर चाहिए। और अब हम यहाँ पर एक कटोरी शक्कर पतीली में डाल देंगे और थोड़ा सा पानी, जितना आपने देखा ये 2-4 चम्मच पानी था, और थोड़ा सा पानी हम यहाँ पर डाल देंगे। और अब हम इसको अच्छे से हिलाना स्टार्ट करेंगे और थोड़ी देर के बाद इसमें उबाल आना शुरू होगा। उसके बाद हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद थोड़ा इसका कलर बदलने लगेगा तब मैं यहाँ पर एक चम्मच शहद डाल दूंगी। 10 मिनट के बाद कुछ वैक्स की इस तरीके से कंसिस्टेंसी हमारी हो जाएगी। इसको चेक करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। आप एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लीजिए। पानी के बाद उस वैक्स में थोड़ा सा वैक्स को डालिए, और अगर वो वैक्स थोड़ा इस तरीके से कठोर हो जाए और पानी में मिक्स ना हो, इस तरीके से गोल गोल गोलाकार ले लें, तो यानी कि आपका वैक्स पूरी तरीके से तैयार है। और अब हम यहाँ पर स्ट्रिप्स को रेडी करेंगे। दोस्तों मैं आप अपनी कोई भी पुरानी जीन्स आपकी पड़ी हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिप्स बनाने के लिए, या आपके हस्बैंड की पड़ी हो या पापा की पड़ी हो, कोई भी जीन्स आप ले लीजिए। ये मेरी जीन्स है और मैंने इसका शॉर्ट्स बना लिए था, इसीलिए इसके सिर्फ लेग्स रह गए हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से कुछ स्ट्रिप्स बना लूँगी, कैंची से इस तरीके से लंबी स्ट्रिप्स काट लूँगी। आप करीब 6-7 स्ट्रिप्स कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, और आप चाहें तो मार्केट से इस तरीके की स्ट्रिप्स को भी परचेज कर सकते हैं। आप सबसे पहले उस जगह पर जहाँ भी आप वैक्स करने वाले हैं वहाँ पर आप टेलकम पाउडर को अप्लाई कर लीजिए, और उसके बाद आप कुछ इस तरीके से जिस डायरेक्शन में हमारा हेयर ग्रोथ है, जिस डायरेक्शन में हमारे हेयर्स हैं, उसी डायरेक्शन में हमें वैक्स को अप्लाई करना है। स्पैचुला की हेल्प से यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप नाइफ भी ले सकते हैं और स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, जिससे कि आपके पैर या हाथ जहाँ भी आप कर रहे हैं वो जल ना जाए। और उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जिस डायरेक्शन में वैक्स को अप्लाई किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें बालों को और स्ट्रिप को खींचना है, तो हमारे बाल बहुत आसानी से हेयर्स निकल आएंगे और आपके बाल बहुत जल्दी भी नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, और कुछ इस तरीके से आपको वैक्स करना है। आप देख सकते हो मैं थोड़ा ज़्यादा पोर्शन में लगा रही हूँ, और अगर आप बिगिनर हैं, आप बिल्कुल नए हैं, वैक्स करना अभी आपको नहीं आता है, तो आप छोटे पोर्शन में लगाइए और उसके बाद उसको खींच लीजिए। अब ज़्यादा बड़े पोर्शन में आप मत लगाना अगर आप अभी सीख रहे हैं या बिगिनर हैं, क्योंकि मैं करती रहती हूँ, मेरे को प्रैक्टिस है, इसलिए मैं लंबे ले रही हूँ और अप्लाई कर रही हूँ लंबे पूरे एरिया में, लेकिन आप छोटे एरिया में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी है। आपने देखा कि घर पे आप किस तरीके से वैक्स बना सकते हैं, आपको पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसी तरीके से करना है धीरे धीरे। उसके बाद आप सेम इसी तरीके से दूसरे लेग्स पे भी इसी तरीके से कर सकते हैं, और आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना डिफरेंट लग रहा है हमारा एक पैर और दूसरा पैर, जिस जो वाला वैक्स है और जो नहीं है, साफ हो जाते हैं एक्चुअली, हमारे क्लीन लगने लगती है हमारी बॉडी और हमको भी बहुत हल्का हल्का फील होता है वैक्स कराने के बाद। इसी तरीके से सेम आप हैंड्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया। इसके बाद आप उसको पानी से उस एरिया को वॉश कर लीजिए, और उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र को, कोई भी मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कर लीजिए, और हो गई हमारी वैक्स। आई रियली होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और ये है मेरी डॉटर। तो दोस्तों मैंने बहुत मेहनत से ये आप लोगों के लिए बनाया है, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।